ए आकाशवाणी जलंधर ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकां नूं योग नूं अपने जीवन दा हिस्सा बनाउण दी अपील कीती है। आकाशवाणी तो अपने मन की बात प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा समय प्रबंध दी भारत दी ताकत एक मिसाल बन रही है। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार देश खास करके पंजाब तो नशिया की समस्या नूं खत्म करने लई वचनबद्ध है। बैडमिंटन च सात्विक साईराज जानकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन दा मर्दां दा डबल्स खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओ इस महीने की 21 तारीख नूं न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र सदर मुकाम विखे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम च हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी तो अपने मन की बात प्रोग्राम च देश नूं संबोधन करदिया श्री मोदी ने कहा कि योग दिवस मनाउण लई लोकां च काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस साल के योग दिवस का विषय है वासुधैव कुटुंबकम जां एक धरती एक परिवार ते इस रूप विच सारयां दी भलाई लई योग है। श्री मोदी ने लोकां नूं योग नूं अपने जीवन च अपनाउण अते अपने रोजाना दे जीवन दा हिस्सा बनाउण लई कहा। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। श्री मोदी ने इस गल ते चानना पाया कि भारत लोकराज की जननी है ते इसते लोकराजी सिद्धांतां नूं सर्वोच्च रखते ने। उन्होंने कहा कि 25 जून नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता जदों देश विच अमरजेंसी लागू की गई सी। चक्रवाती तूफान विपरजॉय बारे बोलदियां श्री मोदी ने भारत दे आम आदमी दियां कोशिशां सख्त मेहनत ते इच्छा शक्ति दी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहला चक्रवात विपरजॉय ने कच्छ विच काफी तबाही मचाई है। श्री मोदी ने आस्था समय प्रबंध की ताकत की भी तारीफ की जो कि भारत ने बीते साल च विकसित की। साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत ने साल 2025 तक एक तपदिक मुक्त भारत बनाने का अहद लिया है। उन्होंने कहा कि एक वड्डा टीचा है अते तपदिक नूं जड़ों खत्म करने लई निक्षय मित्र अगे आए ने। देश विच वख-वख समाजिक संस्थावां निक्षय मित्र बनन लई वड्डी गिणती विच अगे आईयां ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिंडां ते पंचायतां च हजारां लोक अगे आए ने ते उन्होंने तपदिक मरीजां नूं गोद लिया है। प्रधानमंत्री ने डेयरी फार्मिंग शुरू करने लई जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों का भी उदाहरण दिता। जिले च लंबे समय तो दुध की थुड़ चल रही सी। श्री मोदी ने कहा कि बारामूला के लोगों ने इस चुनौती नूं एक मौके की तरह लिया। उन्होंने कहा कि बारामूला नवे सफेद इनकलाब का प्रतीक बन जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। श्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज नूं भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के 350 साल पूरे होने को मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि इस महीने खेडा तो भी चंगियां खबरां मिलियां ने। भारत की टीम ने पहली बार विमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने हमारी मेन्स हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल थे उसमें से 20% अकेले भारत के खाते में आए हैं। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है।
प्रधानमंत्री ने लोगों को भगवान जगन्नाथ की इतिहासक रथ यात्रा का भी जिक्र किया जो कि कल होगी। ये खबर तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार नशे की बुराई नूं जड़ों खत्म करने लई पूरी तरह वचनबद्ध है अते अमृतसर शहर विच एक महीने के अंदर अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर खोल दिता जाएगा। केंद्र सरकार के 9 साल सेवा सुशासन अते गरीब कल्याण संबंधी भारतीय जनता पार्टी की देशव्यापी मुहिम की लड़ी विच अज गुरदासपुर की दाणा मंडी विच एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिया उन्होंने गल कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे ते नाकाम रही है अते खोखले वादे करन वाली अजिही सरकार पहला कदे नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि पंजाब विच कानून व्यवस्था की स्थिति बद तो बदतर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कोल पंजाब दियां समस्यावां हल करन लई समां नहीं है जिस नाल लोकां विच निराशा फैल रही है। उन्होंने पंजाब सरकार ते देश भर दियां अखबारां विच इश्तिहार दे के पंजाब दे लोकां दे पैसे की दुरवरतों करन दा दोष भी लाया अते कहा कि आउंदियां चोणां विच लोक इस दा हिसाब जरूर मंगणगे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालां विच पंजाब नूं 2,21,000 करोड़ रूपये विकास कार्जा लई दिते ने जबकि कांग्रेस सरकार ने 2004 तो अपने 10 साल दौरान सिर्फ 46,000 करोड़ रूपये ही दिते सन। इस तरह मौजूदा सरकार ने पंजाब नूं दिती जाण वाली रकम विच 4.5 गुणा का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वल्लों पंजाब ते सिख भाईचारे दे हक विच लए गए वख-वख फैसलियां दा जिक्र करदिया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 1984 दे सिख विरोधी दंगियां दे दोषियां नूं इसे सरकार ने जेलां विच डक्किया है। श्री शाह ने कहा कि गुरदासपुर दी इस पवित्र धरती तों ओ गुरुआं अते श्री करतारपुर साहिब नूं पूरे सन्मान नाल सिर झुका के सजदा करदे ने। उन्होंने कहा कि सिख गुरुआं ने देशभक्ति समानता अते सद्भावना दा पाठ पढ़ाया अते अज वी पंजाब वासी देश दी राखी विच अहम भूमिका निभा रहे ने। गुरदासपुर तो साडे पत्रकार शिशु शर्मा शांतल अनुसार इस रैली विच श्री हरगोबिंदपुर तो निहंग सिंघां दी फौज अते नामधारी भाईचारे दे लोक भी वड्डी गिणती विच मौजूद रहे। गुरदासपुर की दाणा मंडी विच अज एक इतिहास सिरजिया गया। ठाठा मारदा लोकां दा समुंदर इस रैली दा गवाह बनिया। भारत माता की, भारत माता की। इकट्ठ तों उत्साहित गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे जोश नाल भारत सरकार दियां उपलब्धियां दी चर्चा करदियां सूबा सरकार ते तिखे निशाने विन्ने। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है। केसरिया रंग नूं शहीदां दे बलिदान दी भावना वाला, सफेद रंग नूं गुरुआं दे सद्भाव वाला अते हरे रंग नूं अन्नदाता किसान नाल जोड़दिआं अमित शाह ने कहा कि पंजाब विच तिरंगे दे इह तिन्नों रंग वेखण नूं मिलदे ने। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, गुरदासपुर। इस मौके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम वेगवाल, सोम प्रकाश अते पार्टी दे सूबा प्रधान अश्विनी कुमार शर्मा ते पार्टी इंचार्ज विजय रूपाणी तो इलावा होर सीनियर आगू मौजूद रहे। साल 2021 लई गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर नूं दिता गया है। 1923 च कायम कीती गई गीता प्रेस विश्व दे सब तो वड्डे प्रकाशकां च इक है। इसने 16 करोड़ तो वध श्रीमद भागवत समेत 14 भाषावां च 41 करोड़ तो वध किताबां प्रकाशित कीतियां ने। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बर्लिन विच स्पेशल ओलंपिक शिशु खेडां विखे हिस्सा लैण वाले भारतीय दल नूं ट्वीट राहीं आपणियां शुभकामनावां दित्तियां ने। भारत के बैडमिंटन खिडारी सात्विक साईराज जानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज जकार्ता विच इंडोनेशिया ओपन के फाइनल मुकाबले विच पिछले चैंपियन आरोनशिया ते सो वोईयिक दी आस्ट्रेलियाई मलेशियाई जोड़ी नूं हरा के मर्दां दा डबल्स का खिताब जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने अपना पहला सुपर 1000 खिताब जीतया। इसने मलेशियाई जोड़ी नूं सीधे सैटा विच हराया। आखिर विच इस बुलेटिन दीआं खास खबरां इक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। आकाशवाणी तो मन की बात प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपदा समय प्रबंध भी भारत की ताकत एक मिसाल बन रही है। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार देश खास करके पंजाब तो नशिया की समस्या खत्म करने वचनबद्ध है। बैडमिंटन च सात्विक साईराज रानकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन का मर्दा का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसे नाल आकाशवाणी जलंधर तो खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है।